नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हादसे से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपकी किस्मत में जॉब है या नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस है, कब तक लगने के योग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की बात आती है या फिर जॉब ही की अगर बात आए तो सूर्य पर अगर किसी भी कारणवश क्रॉस का साइन निर्मित होता है तो ये जॉब में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा योग्यता होने के बावजूद भी सक्सेस हाथ नहीं लग पाते, क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा नेगेटिव साइन होता है जिसके अंतर्गत बना बनाया काम बड़ी सरलता से बिगड़ता है, या फिर अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी, इन तीनों चीज़ों के कारण जॉब के रिगार्डिंग ट्रबल आना शुरू हो जाता है। आप कहीं ना कहीं अंडररेटेड वर्क करेंगे, नहीं तो अपने मन पसंदीदा जॉब नहीं मिलेगा। जॉब भी अगर मिला तो उसमें जो फ्रेंड कलीग्स या फिर जो वहाँ के लोग हैं या फिर आपके जो अपर पोजीशन में जितने लोग हैं उन सब से भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाना, इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड गेन से सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये तब तक रहेगा जब तक आप ये सन का रेमेडी प्रेफर ना करें। सन का रेमेडी में ये रहता है कि इसके रेमेडी के बाद में सिर्फ आपका जॉब ही नहीं ठीक होगा, आपका करियर ही सेटल नहीं होगा, इसके अलावा आपका ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल है वही बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा। जैसे नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, अथॉरिटी, पावर, ये सारी चीज़ें जेन में आएगी। अब जैसे क्रॉस का साइन है तो उतनी इज्जत तवज्जो नहीं मिल पाता कहीं भी, चाहे घर हो या बाहर हो। तो इस कंडीशन में पिता भी या फिर दूसरे जो अपने खुद के रिलेशंस भी हैं उनसे भी वैचारिक अनबन, मतभेद होना या धोखा मिलने जैसे योग निर्मित होते हैं। तो ये साइन इसीलिए जो है ओवरऑल यहाँ पर डिस्टरबेंस ऐसा क्रिएट करता है जिससे सक्सेस में जो है व्यक्ति के बाधा आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये इसका रेमेडी सबसे पहले तो करना ज़रूरी है, तब जाकर के आपको जॉब या गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके अलावा अगर यहाँ आपके भाग्य रेखा के बारे में बात करें तो भाग्य रेखा बहुत फेल करके यहाँ पर जब चलता है तो इस कंडीशन में मेहनत तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रिजल्ट जो है प्रोमिनेंट नहीं आ पाता। परंतु चिंता वाली बात नहीं है, अभी आपके देख सकते हैं यहाँ पर लाइफ लाइन का जो फ्लो है उसमें बहुत गहरे स्तर का चेंजेस होते देखने को मिल रहा है। और जब लाइफ लाइन में इस प्रकार का चेंजेस होता है तो इसके बाद सीधे के सीधे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज या कम्फर्ट है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं और ये सब के सब इंडिकेट कर रहा है 38 के ही एज को। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अनदर जो लाइन है वो सूर्य की तरफ झुकी हुई है, और ये झुकी हुई है आपके खासकर जो है उम्र तकरीबन 38 के बाद में ही, यानी 39 के एज के आसपास में। तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 ईयर आपका जो जॉब के चांसेस हैं और मैरिज के चांसेस, ये दोनों के दोनों कन्फर्म हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि लाइफ लाइन में जब ऐसा चेंज होता है तो इस कंडीशन में सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज ही चेंज नहीं होती बल्कि व्यक्ति का ओवरऑल जो लाइफ रूटीन है वो सब भी चेंज होने लग जाता है। और ऊपर से सबसे अच्छी बात क्या देखने को मिल रही है कि सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, तो पार्टनर का भी सपोर्ट इस कंडीशन में मिलने वाला है। और भाग्य रेखा में जब इस प्रकार से बायफोर्क हो या परिवर्तन हो तो जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो सब इंक्रीज होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन एक यहाँ से निकल के मरकरी की तरफ जा रहा है और उसके बाद जाकर के माइंड लाइन देखिए कितनी स्मूथ चल रही है। मरकरी की तरफ जब माइंड लाइन की स्थिति जाती है तो इस कंडीशन में कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने या खुद के बनाए गए योजना में सफल होने जैसे योग निर्मित होते हैं। और जब माइंड लाइन ऐसी स्टेबल चलने लगे जो तो ये इस कंडीशन में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस को इंडिकेट करती है कि ये सारी चीज़ें लाइफ में बढ़ेगी। और ऊपर से मरकरी लाइन भी क्रिएट हो रही है जो नए इनोवेटिव आइडियाज़ को, बिजनेस सेंस और लक को, इन सभी चीज़ों को क्रिएट करता है। भले ही आपकी भाग्य रेखा कितनी फेल करके क्यों ना चल रही पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो इन सब का काम है जीवन में पैसा देना, धनार्जन अच्छा देना, ग्रोथ देना। तो इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 2 साल के अंदर में यानी 2023 तक आते आते लाइफ में आपके बहुत अच्छा सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा, मैरिज और जॉब दोनों के रिगार्डिंग। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको सन रेमेडी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर प्रेफर करना रहेगा। जहाँ तक देखा जाए ये सारे इंडिकेशन अरेंज मैरिज को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ही नहीं बल्कि गुरु भी थोड़ा सा दब रहा है तो इस कंडीशन में मैरिज में वैसे ही डिले करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आपका स्क्वायर का साइन बिल्ड है, तो अंत भला तो सब भला स्क्वायर का साइन यहाँ पर प्रोटेक्शन का कारक हो जाता है। मैरिज तो ये कराता है, बच्चे भी होते हैं, मैरिड लाइफ भी बहुत फ्रूटफुल रहती है, पावर, पोजिशन, अथॉरिटी भी मिलता है, तमाम तरह के रिसोर्सेज की फुलफिलमेंट होती है। यानी ये इतना अच्छा प्रोटेक्शन का साइन है कि लाइफ में जितने भी एरर, बैरियर, ट्रबल है उन सबको ओवरकम ये सिर्फ एक साइन कर देने वाला होता है। इसलिए मैरिज का प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी दोनों यहाँ पर चीज़ें बढ़ती हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं कभी भी आपका मन हो, लेकिन वहाँ पर आप टिक नहीं पाएंगे लंबे समय तक, क्योंकि सैटर्न लाइन इम्प्रूव है तो वो प्राइवेट जॉब तो देती है लेकिन सक्सेस के लिए, अच्छी अर्निंग के लिए सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है।
तो जब तक वो स्ट्रोंग नहीं, तब तक वहाँ पर भी स्टेबिलिटी आपका कम है। अभी अभी भी आपकी अर्निंग ज़ीरो है, लेकिन ये आगे नहीं रहेगी। अभी आप इसका रेमेडी प्रेफर करिए, उसके बाद लाइफ में पैसा बहुत अच्छे लेवल से बढ़ेगा। भाग्य रेखा इतनी फेल करके चल रही हो, मरकरी लाइन इतनी कमज़ोर हो, इन सब पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान इस पे देना है कि भाग्य रेखा है, मरकरी लाइन भी है, बस थोड़ा इनको स्ट्रोंग करने की और यहाँ पर आवश्यकता है। इन सब के बाद फिर आपको नॉर्मली फिर किसी प्रकार के इश्यूज से नहीं गुजरना पड़ेगा। अभी यहाँ पर बात करें तो फिंगर के लेंथ पे, तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करना, इस कंडीशन में बहुत दफ़ा बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देना है या डायरेक्ट एक्शन लेने से नुकसान हो जाता है। इसलिए प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करने की एडवाइस यहाँ दी जाती है, लेकिन अब इसके रिगार्डिंग आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट फिंगर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी व्यक्ति को देती है, इसलिए खुद के दम पर इंडिपेंडेंटली वर्क करने की आदत इस कंडीशन में हो जाती है। शॉर्ट फिंगर एक प्रकार के बहुत अच्छे एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है और इस कारण से जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यहाँ दिख रहा है। और लिटिल फिंगर की लेंथ भी तकरीबन ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँच रही है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल, उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, या फिर एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। मार्केट सेंस, नॉलेज, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, और इवन कन्विंसिंग स्किल भी बहुत अच्छा क्रिएट होने लगता है। तो ये मरकरी लाइफ में सक्सेस भले ही देरी से दे रहे हो, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस आपको देगा, बहुत अच्छे लेवल की। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है, अर्थात सिर्फ खुद के मेहनत, कोशिश, पराक्रम से आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ हो, तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि होती है। थोड़ी इस कंडीशन में वैराग्य की भावना भी आती है, जिसके तहत भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होने लगने जैसे योग निर्मित होते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रता पूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर एक व्यक्ति के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे रिश्ते निभा पाना। फिंगर के नोड्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स फिलहाल थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। थंब का साइज अनदर पाम पिक में देखेगा ये शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ही यहाँ पर ज़्यादा पसंद करेंगे, और विल पावर आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाम का जो साइज़ है वो स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। शारीरिक हो या मानसिक, कभी किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। गुरु की स्थिति में सिर्फ आड़ी ही रेखा नहीं, बल्कि देखा जाए तो बहुत सारी सीधी रेखा भी है। सीधी रेखा बहुत ज़्यादा जुनूनियत भरे किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, हार नहीं मानते हैं, लगातार एफर्ट्स अपने लाइफ में लगाते हुए देखने को मिलते हैं। आड़ी रेखा दयालु किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, तो आगे से लेकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, दान धर्म पूजा पाठ से पीछे न हटना। रूढ़िवादी किस्म का व्यक्तित्व भी उत्पन्न करता है, तो पुरानी अपने घर की सभ्यता या पद्धति को आगे लेकर के जाने वाले भी होते हैं। इस कंडीशन में यह भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, आप बिजनेस से भी और जॉब से भी, दोनों से अर्निंग अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा लेट आपके जीवन में सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि पर्वत दबा हुआ है, ब्लेसिंग्स जुपिटर की थोड़ी देरी से आ रही, लेकिन बहुत अच्छी रही है। सैटर्न के ऊपर जब भी लक लाइन पहुंच जाती है, ये बहुत अच्छा एक वैलिडिटी पॉइंट हो जाता है। वैलिडिटी पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो भी आप काम शुरू कर रहे हो उसकी प्रॉपर एंडिंग होगी, भले ही देरी से हो, रुकावटों के साथ हो, लेकिन आपका जो किसी भी काम का अंत होगा वो आपको संतुष्टि बहुत अच्छा प्रदान करेगा। इसीलिए आपकी ओवरऑल लाइफ के कंपेरिजन में आपका ओल्ड एज सबसे ज़्यादा अच्छा है, और उसमें क्या रहेगा कि सिर्फ अर्निंग ही नहीं बल्कि बच्चों से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये रेखा बच्चे संस्कारी होने जैसे योगों को निर्मित करता है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। सूर्य शनि का क्षेत्र भी थोड़ा दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में काम बनने में देरी देती है, लेकिन इस कंडीशन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो रेखा है बहुत स्ट्रांगली सूर्य और शनि के बीच में जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर कंसल्टेंसी, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका ज्ञान दूसरों के काम आ सके, कमीशन बेस्ड काम भी अगर हुआ, वो सब काम से आपको बहुत लाभ है। यहाँ आपका भाग्य उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, और आपका इच्छा मनोकामना सब पूरा होता है, लेकिन देरी से होता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य आपका जो है मेजर रेमेडी है, वो प्रेफर करिए। आपका सैटर्न डिस्टर्ब नहीं है, आपका भाग्य ठीक है, लेकिन क्या होता है कि भाग्य से अपॉर्चुनिटी आती है, सफलता सिर्फ हमें सूर्य से ही मिलता है।
दूसरी बात यहाँ पर करें तो सूर्य के ऊपर एक क्रॉस का साइन है लेकिन अनदर लाइन बहुत स्ट्रांगली चल रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस का साइन इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि आप अपने प्रयासों में फेलियर कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, लेकिन वो प्रयास आपके बेकार नहीं जाते, उन सबसे आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गेन होता है और वो एक्सपीरियंस दूसरों के काम अच्छा आ सकता है और आपके भी काम आगे चल करके बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए चाहे कितने फेलियर हो, जीवन में कभी भी मान सम्मान इज्जत की कमी नहीं होती है, उसको एश्योर कर रही है ये सपोर्टिव आपकी सनलाइन। दूसरी बात, ये दूसरी जो सूर्य रेखा है, इसका झुकाव कहाँ गया है? बुध और सूर्य के बीच में। बहुत अच्छा ये बुधादित्य युग का निर्माण करता है, यानी सीखने समझने की सक्षमता, बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत अच्छी हो जाती है और मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बात क्लियर कट याद रहती है। नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस कंडीशन में होता है और ये यशस्वी योग भी निर्मित करता है, तो खुद के दम पर अपना आलिशान घर बना पाने में सक्षम या घर परिवार का नाम इज्जत बढ़ा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये जो रेखा, ये आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट कर रहा है साइड बाई साइड। मरकरी के ऊपर सिंपल एज दैट एक ही रेखा है, तो इस कंडीशन में भी कम्युनिकेशन इंप्रूव ही होता है, कैलकुलेशन, रीजनिंग, लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी देखने को मिलने लगती है और एकदम स्पष्टवादी, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करने की युति को, एकदम साफ सुथरे व्यक्तित्व को, चरित्रवान किस्म के व्यक्तित्व को यहाँ पर यह उत्पन्न करता है। आपका जो यहाँ पर आपका हृदय रेखा है, उसके अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। फ्लर्टी रोमांटिक नेचर का मतलब यहाँ पर आपका सिर्फ मैरिड लाइफ नहीं है, हस्तरेखा में इसका मतलब यह होता है कि ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना या दूसरों को एंटरटेन कर पाना, लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, एंटरटेनिंग जो नेचर है, इस प्रकार की युति को यहाँ पर ही ज़्यादा दर्शा रहा होता है। आपके हृदय रेखा में थोड़ा बिखरा हुआ रहा, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, अभी तो नहीं लेकिन उम्र 48 के बाद में हेल्थ इशू आ सकता है। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए जुपिटर से कंजंक्ट है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होने जैसे योगों को यहाँ निर्मित करता है। इसलिए आप जैसे जातक बहुत साफ सुथरे दिल के होते हैं, छल कपट नहीं होता है, धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं, झूठ फरेब दिखावटीपन से दूर देखने को मिलते हैं, जल्दी ट्रस्ट कर लेना या एक्सपेक्टेशन जल्दी राइज होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह देता है। एक शाखा यहाँ से निकल के सीधे मंगल की तरफ गई, जो कि मांगलिक योग का निर्माण करती है, लेकिन अब मंगल की वैलिडिटी भी नहीं है। इसका वैलिडेशन मोस्ट प्रोबेबली 31 के एज तक होता है, लेकिन शास्त्रों में 28 का ही उम्र दिया गया कि इस समय तक मंगल मान्य रहेंगे, उसके अलावा कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आता है। आपके जीवन में जो बड़े बड़े लेवल के जो कष्ट हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, घरेलू तकलीफ परेशानी के रूप से, आर्थिक हानि के रूप से, ये 3 दफ़ा सबसे बड़े बड़े आए हैं। इनका अगर एज का जजमेंट यहाँ पर किया जाए तो ये पीरियड निकल के आएगा 24 से लेकर के 26 सबसे पहला, जिसमें आपको फैमिली, हेल्थ, फाइनेंस और मेंटल, ये सभी लेवल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था और उस समय ज़्यादा सपोर्ट आपको मिला नहीं था। दूसरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेस लाइन है वो यहाँ पर कट के गया हुआ है 33 से लेकर के 36 के मिड में, और इस पीरियड में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इशू और फैमिली मैटर बहुत एक्सट्रीम लेवल के से आपको गुजरने पड़ गए थे। इसने टच किया हुआ है आपके यहाँ पर हार्ट लाइन को, तो माइनर हेल्थ इश्यूज आपके रिगार्डिंग भी यहाँ पर यह दर्शा रहा है। और इस समय सेकंड इवेंट में आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिला दूसरों के द्वारा या किसी ना किसी स्ट्रेंजर के द्वारा, या डिवाइन हेल्प अच्छी मिली, तो उन सब प्रॉब्लम से आप निकल पाए। तीसरा जो कष्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के हेल्थ और सबसे मेनली फाइनेंस के रिगार्डिंग दिखा रहा है, और ये पीरियड आपके जीवन का दिखा रहा है तकरीबन 36 से 38। इसके बाद में जा करके 38 मतलब अभी आप जिससे गुजर रहे हैं पीरियड से, इसके बाद जा करके सीधे बायफर्क का साइन है, तो आने वाले 2 साल के अंदर सेटलमेंट है, उसको यहाँ पर यह इंडिकेट कर रहा है। अब आने वाले समय में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अभी भी शुक्र की हल्की हल्की सी रेखा आ रही है, तो शुक्र आपका फैमिली लाइफ है, आपका मैरिड लाइफ है, वहाँ से थोड़े माइनर इश्यूज है उनके, यानी आपके पार्टनर के रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज आने की थोड़ी संभावना है, लेकिन कोई बहुत नेगेटिव या बहुत प्रोमिनेंट यह इंडिकेशन नहीं है। ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि आपके हथेली में ये जो सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे प्रोटेक्शन और गार्जियन एंजल लाइन अर्थात देवदूत रेखा कहते हैं। ये रेखा जब होती है तो बिल्कुल इंसान को बेफिक्र ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कष्ट बाधा कहीं से भी आएगी, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी लेवल का प्रॉब्लम आएगा, नई भाषा आ रही है, तब भी लोग आकर के सपोर्ट करेंगे, ये इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन होती है। अब सबसे अच्छी बात इसमें क्या हो गई कि पहले लाइफ में क्या था कि पहले लाइफ में कोई ऐसी स्टेबिलिटी या कोई ग्रोथ इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन जो थर्ड इवेंट यानी जो हुआ आपको मतलब 36 के बाद में, उसके बदले लाइफ लाइन में बहुत पॉजिटिव चेंज आया और ये बाहर की तरफ झुक गया है,
और मून लक लाइन का भी कनेक्शन लक लाइन से, ये दोनों कंफर्म करता है कि आपका जो ग्रोथ है या सेटलमेंट है आने वाले समय में वो आपके जन्म स्थान से दूर है 100%। यहाँ देखेंगे तो इंटरनल मास यानी हेल्थ के ऊपर काम करना है, फिजिकल फिटनेस पे। आउटर मास भी डेवलप ठीक है तो करेज अच्छा है। शुक्र आपका डेवलप देखा जाए तो सामान्य है। एरिया अच्छा ले रहा है तो लंबी आयु अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है। आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है। इसमें क्या होता है कि पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस कम हो जाता है, इतना स्ट्रेसी लाइफ में अनवांटेड हो जाता है। लेकिन उसके कंपेरिजन में सीधी रेखा को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल और बेटर हो सके, इसलिए मेरिड लाइफ आपका अच्छा है। केतु का पोजिशन सामान्य है। चंद्र के ऊपर मल्टीपल जब आड़ी रेखाएं होती हैं बहुत ज़्यादा ये रेस्टलेसनेस देता है, बहुत जल्दी मन किसी भी काम से ऊब जाता है, इसलिए काम में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है और मन लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस कंडीशन में हमेशा ओम का उच्चारण करना, मेडिटेट करना, अपन सुबह जल्दी उठना, फ्रेश एयर लेना, लोगों को पानी पिलाते रहना, पानी की व्यवस्था अपने चौराहे पर करना ताकि लोग उसमें पानी पीते रहें, ये सारे काम आप करेंगे आपका मन इतना स्थिर व शांत हो जाएगा कि कभी कोई किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं आएगा फिर आपको। और चंद्र क्या है कि थोड़ा सा दब रहा है तो बातें आपसे थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती हैं और थोड़ी बे मतलब बातें ऐसी होती है बिना हाथ पैर के हो जाती है। चंद्र का क्षेत्र जब विकसित अच्छा होता है तो काल्पनिकता बहुत अच्छी देता है, तो जो व्यक्ति बोलता है उस कंडीशन में बहुत अच्छा लॉजिक या बहुत अच्छा एकदम पकड़ होती है तो सामने वाला इन्फ्लुएंस होता है। अब आपका चंद्र डेवलप्ड है यानी एरिया बहुत अच्छा ले रहा है लेकिन दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में ये होता है कि बातें करने का मन तो बहुत होता है लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रकार की बातें नहीं निकल पाती, या सुनने वाला नहीं होता है, या फिर वो सेंस कहीं ना कहीं बातों का नहीं निकल पाता है। इस चीज़ को कन्फर्म करिएगा आपकी ये चीज़ है या नहीं व्हाट्सएप पर। और लेफ्ट हैंड में देखा जाए आपकी लक लाइन के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लक लाइन में बहुत पॉजिटिवली चेंजेस 38 के बाद में आया और ये सीधा जुपिटर पे जा रहा है। तो जुपिटर तो हर कुछ देता है, शादी, बच्चे, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सब चीज़ A to Z बहुत स्ट्रॉन्ग ये कॉम्बिनेशन होता है और बहुत बड़े लेवल का आदमी बनाता है। और मरकरी लाइन डेवलप्ड है, आपने अपने जीवन में सीखने में बहुत ज़्यादा समय दिया, वो जो भी आपने समय दिया है सीखने में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा और लाइफ स्टाइल में बहुत पॉजिटिवली चेंजेस आ रहा है, इसलिए आपको मेजरली आपको दिक्कत ऐसे रहने नहीं वाला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।